जल को लेकर पिछले 11 सितंबर से माही जल क्रांति यात्रा जो चल रही है और गांवों में माही जल को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसी के तहत आज सायरा में माही जल क्रांति यात्रा ने प्रवेश किया है, जो सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ इसमें कई किसान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है माही जल क्रांति यात्रा के संयोजक विक्रम सिंह जी, पुनः साहब उनसे बात करते हैं। जी बताइए, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और कब से कर रहे हैं आप? यात्रा का उद्देश्य सीधे तरीके से यही है, करीब करीब आपको भी ध्यान है, 2008 से हमने ये माही का पानी को अपने पश्चिमी राजस्थान में जालौर सिरोही बाड़मेर लाने के लिए हमने ये क्रांति छेड़ी थी और कई सरकारें आई कई सरकारें गई, हमने हर सरकार के सामने इस माही के मुद्दे को रखा, लेकिन किसी ने ये काम करने से रुचि नहीं दिखाई। पिछली सरकार में जब माननीय वसुंधरा जी ने संकल्प स्वराज यात्रा निकाली थी, उस समय भी हमने भीनमाल में बहुत जिला के सामने 20,000 किसान इकट्ठे करके हमने वहाँ मांग रखी थी। वसुंधरा जी हमारे मंच पे आई, किसानों के मंच पे, और उन्होंने उनको हमने निवेदन किया, निवेदन करने के बाद में उन्होंने हमारी बात मानी कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये आपका पानी पिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में भी लिया, हम उनको धन्यवाद दिया। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद हम जयपुर गए उनसे मिलने और उन्होंने एक कमेटी भी गठन किया। अब उस कमेटी का गठन होने के बाद में हमें कहा कि अब आपका काम हो जाएगा, आप इसके लिए कमेटी गठित हो गई है, आप निश्चिंत रहो, ये पानी हम आपके लाएंगे। उसके बाद में एक दो मीटिंगें हुई, उसका इतिश्री कर दिया उन्होंने, पानी के लिए कोई काम नहीं। लास्ट में हम गए तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पानी आपको नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, कारण कि बजट बहुत ज़्यादा है। तो साहब लेकिन बजट ज़्यादा है तो भी बजट तो सरकार देगी और हम पैसा दे रहे हैं इनकम टैक्स से, हम पैसा आपके अलावा स्थानीय नेताओं ने इसमें क्या, स्थानीय नेता ने जरूर, देवजी भाई ने इसके बारे में लोकसभा में बोला और पूराराम जी ने भी बोला, नारायण सिंह ने भी बोला, जोगेश्वर जी ने भी बोला, लेकिन वो कुछ ठोस तथ्य के साथ में नहीं बोले और उनका असर कोई सरकारों पर नहीं हुआ। इसके बाद में हम ये सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद हम माननीय अशोक गहलोत जी से मिले, उन्होंने भी कहा कि हम लाएंगे पानी, फिर कुछ नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट में गए, आरटीआई से 121 बार आरटीआई लगा के 1700 पेज की आरटीआई लगा के हम हाईकोर्ट में गए, वहाँ वकील खड़े किए और हमने जनहित याचिका लगाई, जनहित याचिका हमारे मंजूर हो गई और मंजूर होने के बाद में 18 महीनों में हाईकोर्ट ने ये निर्देश दे दिए, सरकारों को नोटिस जारी कर दिया कि जो खंबात की खाड़ी में जा रहा है पानी कनाडा से और माही डैम से ओवरफ्लो होकर 125 टीएमसी उस पानी को पश्चिमी राजस्थान को दिया जाए, उसमें केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया, राज्य सरकार को भी दिया, केंद्र सरकार ने गोलमाल जवाब दे दिया और राज्य सरकार ने जरूर हमारे हक में जवाब दिया। उसके बाद में जब हाईकोर्ट का डंडा पड़ा इनके ऊपर, तब इन्होंने जाके ये अपने डीपीआर बढ़ाने का आदेश किए, संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और गैर राजनीतिक होने के वजह से हम किसानों के लिए संघर्षरत हैं और जो सरकार इस माही को पानी, अब ये निर्णय हो गया है, गांव गांव ढाणी ढाणी माही जल क्रांति यात्रा जा रही है और हमने हर गांव में जाकर किसानों से बहुत उत्साह से किसान हमें मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारा और सभी किसान प्रण ले रहे हैं कि जो सरकार माही का जल लाएगी उसे ही हम वोट देंगे, बाकी वोटों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये है निर्णय। अभी तक आपका बहिष्कार कर सकते हैं चुनाव का? बिल्कुल कर सकते हैं बहिष्कार, अगर मान लो अभी सरकार मौजूद है या केंद्र में सरकार है, वो कोई घोषणा कर दे कि माही का जल हम लाएंगे और अभी घोषणा कर दे आचार संहिता के पहले, तो हम उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं कोई शासन प्रशासन आपसे मिले? पांच दिन कोई नहीं मिला है, ये मिलते और काम करते हैं तो ये क्यों माई की यात्रा निकालनी पड़ती और क्यों हमें गांव गांव जाना पड़ता, अब ये कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, उल्टे हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूं, जशनपुरा में हमारी परसों ये माई की जन क्रांति यात्रा थी, वहाँ टोल पे हमें बहुत ही तंग किया टोल वालों ने, मैंने कहा कि भाई तुम किसी बड़े आदमी वीआईपी आदमी के टोल नहीं लेते हो तो ये किसानों का रथ यात्रा है यार, इसमें आपको टोल लेने नहीं लोगे तो ठीक, हमने हाथाजोड़ी की, लेकिन वो नहीं माने, हमारे झगड़े पे उतारे हो गए, फिर हमें समझा बुझा कर वहाँ से निकले। आपको किसानों का कैसा समर्थन मिला गांव वालों को? किसानों का समर्थन, अब आप यहाँ का माहौल देख लिया आपने खुद ने कि कितनी
और कितना भव्य स्वागत किया ढोल नगाड़ों से, इसके ऊपर आप समर्थन क्या मैं कहूँ आपको? अगर ये यात्रा करने के बाद भी कोई समझौता या संदेश नहीं होती है, आपकी सरकार बात नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे? अब सरकार अगर बात नहीं मानती, कोई सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर नहीं मानती है, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, सतत जारी रहेगा। और हाई कोर्ट क्या, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमारे किसान तैयार है, सभी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट जाके भी हम ये माई का पानी प्रण ले लिया हमने, जब तक जान है जब तक ये पानी लाके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके भी लाके रहेंगे, इनको झुकाएंगे। ये थे हमारे साथ माई जल क्रांति यात्रा के संयोजक विक्रम सिंह जी पुनासा। इन्होंने बताया कि जब तक माई जल का पानी नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे माई जल के पानी को लाएंगे उसी को हम वोट देंगे। अगर ग्रामीण छाए और किसान छाएंगे तो वोटों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साइला, जालोर।